दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके मोबाइल में फाइव लोन एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है तो दोस्तों आप इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे। आज की इस वीडियो में आपको पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं, तो गाइस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर सेट कर देना, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करेगी। तो चलिए दोस्तों आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, प्ले स्टोर को ओपन कर देना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको फाइव लोन एप्लीकेशन को यहाँ से अपडेट कर देना है। तो गाइस यहाँ पर आपके फाइव लोन एप्लीकेशन के अंदर कोई अपडेट वगैरह आया होगा तो दोस्तों यहाँ से आपको इस एप्लीकेशन को अपडेट कर देना है। तो गाइस यहाँ पर आपको ओपन की जगह अपडेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक करके यहाँ से आप इसको अपडेट कर देना है। दोस्तों अपडेट करने के बाद भी अगर आपकी फाइव लोन एप्लीकेशन ओपन नहीं हो पाती है तो गाइस यहां पर आप क्या करोगे, तो गाइस यहां से आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों यहां पर आपको अपने फोन में सेटिंग ओपन कर देना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे की साइड में आ जाना है और दोस्तों यहाँ पर आपको एप्स वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको एप्स या एप मैनेजमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन रहेगी वो सभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो गाइस यहाँ से आपको फाइव लोन एप्लीकेशन को ओपन कर देना है। तो गाइस यहाँ पर मैं फाइव लोन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने फाइव लोन एप्लीकेशन का इन्फो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइव लोन एप्लीकेशन अपने मोबाइल में ओपन नहीं हो रही है तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है, फोर स्टॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ से आपको इस एप्लीकेशन का फोर स्टॉप कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे के साइड में स्टोरेज एंड चेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्लियर स्टोरेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ से आपको इस एप्लीकेशन का स्टोरेज क्लियर कर देना है। जैसे दोस्तों इस एप्लीकेशन का डेटा क्लियर कर दोगे दोस्तों आपकी जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी और दोस्तों फाइव लोन एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है दोस्तों यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस कुछ इस तरीके से आप फाइव लोन एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो।